27 फरवरी को जब हम लोग पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक नया इतिहास लिख रहे हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये दिन चंद्रशेखर आजाद का शहादत दिवस भी है। जिन लोगों को आजाद आजादी शब्द से दिक्कत है, उन लोगों की नफरत भरी विचारों के खिलाफ वो तमाम परमानेंट यात्री 60 से 62 लोग हमेशा हमारे साथ चलते रहे। कई साथी अपना महत्वपूर्ण काम छोड़कर, कई साथी अपनी नौकरियों से वक्त निकालकर, और कई साथी अपनी पत्नियों का डांट सुनकर, अपने बच्चों का डांट सुनकर हमारे साथ घूमते रहे। मंच पे जो विभिन्न राजनीतिक दल के लोग यहां मौजूद हैं, वो तमाम लोगों ने एक बड़ी भूमिका निभाई है इस ऐतिहासिक रैली को अंजाम तक पहुंचाने में। कांग्रेस पार्टी के सीनियर विधायक अवधेश बाबू यहां आए थे, हमारी गाड़ी के साथ उनका भी गाड़ी तोड़ दिया था। वो तमाम पत्थर जो हमारी यात्रा के ऊपर चढ़ाए गए हैं, उस कादियाना हमले के वक्त भी शकील भाई एक बड़े भाई की तरह जेएनयू के पुराने प्रेसिडेंट की जो भूमिका है हो सकती है उस भूमिका को निभाते रहे, सब लोग साथ खड़े रहे। आप मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने प्रशासन का, पुलिस का, और मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है ड्यूटी और सरकार की हाजिरी में मुझे निभाती है। मुझे मालूम है कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद हमारी सभाएं हुई, परमिशन आखिरी मौके पर कैंसिल कर दिया जाता था 4 रोज इसका, तो लोगों ने अपने खेत का फसल उखाड़ करके, मधेपुरा में खेत का फसल उखाड़ करके लोगों ने आम सभा कराई। उस किसान को मैं यहाँ से सलाम पेश करना चाहता हूँ। वो एक एक जवान जो पुलिस की वर्दी पहना हुआ है, जब हमारे ऊपर पत्थर चलते थे तो सर उस जवान का भी फूल सकता था। वो अंगरक्षक के तौर पे बिहार पुलिस के जो जवान हमारे साथ रहे, मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ बिहार की मीडिया का। हम जानते हैं दिल्ली से आपको बहुत दबाव होता है, दिल्ली आपने खबर लगाई, इसके लिए हम आपको अपना आभार व्यक्त करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ CNR CNPR विरोधी संघर्ष मोर्चा का, क्योंकि आप तमाम लोगों को यह एहसास हो गया होगा कि ये कन्हैया की रैली नहीं है, ये मार्केट में भ्रम था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, दोस्त देश बचेगा, बिहार बचेगा, संविधान बचेगा, तब न चुनाव होगा। yes. ये एक व्यक्ति की रैली नहीं है, CNR CNPR विरोधी संघर्ष मोर्चे के वो तमाम लोग और एक आवाज पे अपना काम छोड़कर तुषार गांधी, मेधा पाटकर, कन्नन गोपीनाथन, चारिका चौधरी, शहनवाज भाई, वो तमाम लोग जो यहाँ आए हैं और हमारे हम उम्र तो नहीं है लेकिन दोस्त की तरह बंगाल में हमारे साथ यात्रा कर रहे थे, जब हमने CNR CNPR के खिलाफ दार्जिलिंग से लेकर कलकत्ते तक की यात्रा की थी, साथी विक्टर भाई भी CNRC विरोधी संघर्ष मोर्चा बंगाल की तरफ से आए हैं और बंगाल से भी कुछ साथी आए हैं इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। आप तमाम मेहमानों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और